हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिर से एक और लिकर को। और इस लिकर की खासियत ये है कि इसका एक अपना ही फैन बेस है। इंडिया में ये लिकर इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और ये कुछ नहीं देख रही और ये हर एक ब्रांड को बीट कर रही है। और जैसे आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक एंड वाइट की। सो दिस इज द फाइनेस्ट वर्जन एंड नॉट द एज वन। ये इंट्रोडक्टरी ब्लैक एंड वाइट है। तो आइए चलिए थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। सो ब्लैक एंड वाइट, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हिपस्टर बॉटल है। सो ब्लैक एंड वाइट 18th सेंचुरी में जेम्स बकिनन एंड कंपनी लिमिटेड ने ये विस्की लॉन्च करी थी। तो इनके जो ओनर हैं वो थे जेम्स बकिनन। उन्होंने इसको 18th सेंचुरी में लॉन्च किया था एंड ये भी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। बट अगर मैं बात करूं तो ये फॉरेन लिकर नहीं है, ये IMFL है, विच इज़ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है। सो IMFL होने का मतलब है कि बैरल से विस्की आई है इंडिया और इंडिया में हुई है बॉटलिंग हुई है इंडिया में और विस्की इम्पोर्ट हुई है स्कॉटलैंड से। सो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्की बेसिकली होती क्या है। सो ब्लेंडेड स्कॉच विस्की होती है जब बहुत सारी डिस्टिलरी से विस्कीज मंगाई जाए, उनको मिक्स किया जाए और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको ब्लेंडेड कहते हैं। कि वो बहुत सारी मल्टीपल विस्कीज डिस्टिलरी से विस्कीज आई, उनको मिक्स किया और उसके बाद जो फाइनल आउटकम निकला उसको ब्लेंडेड स्कॉच कहते हैं। सो जब मैं बात करता हूँ कि मल्टीपल डिस्टिलरी से, तो क्वेश्चन आता है कि कितनी सारी डिस्टिलरी से। तो आप मान के चले कि अराउंड 30+ डिस्टिलरी से विस्कीज आती हैं, उनको मिक्स किया जाता है और उसके बाद एक स्कॉच को रेडी किया जाता है, ब्लेंडेड स्कॉच को रेडी किया जाता है। सेम केस इज दिस, इज विद दिस। ये भी बिल्कुल वही केस है, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। इसमें अराउंड 40 के आसपास डिस्टिलरी से विस्कीज मंगाई गई, उसको मिक्स किया गया। छोटा सा फन फैक्ट ये है, जो जेम्स बकिनम है थे सॉरी वो कोई विस्की क्रिएटर नहीं थे या विस्की कहते हैं गुरु नहीं थे, वो बिजनेसमैन थे। उन्होंने जब देखा कि विस्की का इंडस्ट्री बूम कर रही है तो उन्होंने विस्की इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करने का सोचा। एंड उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल बिजनेसमैन के सेंस में चलता था। तो उस टाइम पे इस विस्की का नाम हुआ करता था हाउस ऑफ कॉमन। सो अब मैंने इसकी, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे हाउस ऑफ कॉमन, तो आपको बहुत पुरानी फोटोज मिल जाएंगी, जो ब्लैक एंड वाइट की पुरानी बॉटल्स थी उसको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता था। बट वो बॉटल ब्लैक कलर की आती थी और जो उसका केस है विच इज़ द बॉक्स, वो वाइट कलर का आता था। तो उस टाइम पे उस विस्की को लेमन टर्म में ब्लैक एंड वाइट बोला जाता था। तो मिस्टर जेम्स ने ये आइडिया को पकड़ा और सोचा कि ये जब मेरी बॉटल की गुडविल है तो क्यों ना इसको यूज़ किया जाए। तब उन्होंने इस विस्की का नाम हाउस ऑफ कॉमन से चेंज करके ब्लैक एंड वाइट रख दिया, जो कि आज की डेट में एक अलग ही लेवल पर है। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, इसका ग्राफ बढ़ ही रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो मैस्कॉट हैं, यहाँ पे दो डॉग्स हैं, बड़े क्यूट से डॉग्स हैं। ये डॉग इनकी हर बॉटल पे होते हैं ब्लैक एंड वाइट की, चाहे आप इसकी एज ले लें 12 इयर्स ले लें या फिर आप ये फाइनेंस ले लें, उसमें ये दोनों डॉग्स होते हैं। तो जो ये ब्लैक वाला डॉग है, ये ब्लैक स्कॉटिश टेरियर डॉग है। एंड जो ये वाइट वाला डॉग है, ये आई गेस वाइट वेस्ट हाईलैंड टेरियर है। यस यस, इट्स वाइट वेस्ट हाईलैंड टेरियर। सो ये दोनों टेरियर डॉग्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मैस्कॉट यूज़ करे हैं। इनके कुछ नाम भी हैं बट वो मुझे याद नहीं आ रहे, बट अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इनके नाम भी आपको मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते आइए चलिए इसको पोर करते हैं अपने ग्लास में। Here we go. काफी अच्छी कलेक्टेबल बॉटल है, रियूजेबल बॉटल है, तो इसको पोर करते हैं थोड़ा सा। That's it. और बॉटल को हम रख देते हैं। काफी एरोमेटिक है, मुझे वो फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई है। तो इससे पहले मैं इसको इसकी नोजिंग करूं, मैं आपको एक बार बॉटल पे प्राइस दिखा देता हूं कि ये कितने, क्या प्राइस की है, दिल्ली में क्या कॉस्टिंग है इसकी। सो अगर हम ये बॉटल देखें तो जस्ट बिकॉज ये IMFL है तो उसका प्राइस इसी टैग पर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 375 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट।
होपफुली अगर आप देख पाएंगे, ये 375 लिखा हुआ है, ये पुराना प्राइस है, वैट बढ़ने से पहले का प्राइस है। अब ये आई गेस यस ये 390 की बॉटल है, 390 का ये हिपस्टर है, इसे क्वार्टर कहते हैं 180 ml का। तो जिसकी फुल बॉटल है वो 1510 के आसपास की है, 1500 के आसपास की बॉटल है। एंड पहले इसका प्राइस भी ज़्यादा हुआ करता था, बट फिर बहुत टाइम पहले बहुत ज़्यादा था, फिर इसका प्राइस गिरा, फिर अब जाके इसका वो 5% वैट पड़ा है। तो स्टिल ये एक बजटेड स्कॉच में आ जाती है। तो आइए इसको इसकी नोजिंग करते हैं। नाइस। तो नोजिंग के बाद स्वीट है बट ज्यादा स्वीट नहीं है, काफी मैच्योर स्कॉच होती है उस टाइप का इसका इसकी नोजिंग है। यस, जैसे फ्रूटी फ्लेवर्स होते हैं, नॉट रियली दैट सिट्रस फ्रूटी फ्लेवर, ड्राई फ्रूट्स बोल्ड फ्लेवर जैसे होते हैं, वैसे नोजिंग है इसकी, वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत अच्छी। नाइस। तो अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ी सी मैच्योर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दे रही है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का इसमें काफी अच्छे तरीके से यूज हुआ हो। और अगर स्मोकीनेस की बात करें तो स्मोकीनेस है इसमें बट बहुत ज्यादा एक्सटेंट में नहीं है, नोज में काफी प्लीजिंग सी है, बहुत प्लेजेंट फ्रेग्रेंस है इसकी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा स्पिरिट लगेगी या एकदम से आपको हिट करेगी, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा अपीलिंग कहूंगा मैं, नोज पे ज्यादा हार्श नहीं है, बहुत सूदिंग सी है, बट उसके साथ साथ स्पाइसीनेस है, स्पाइसी फ्रेग्रेंस बहुत है, वो फील होती है इसकी, एक अलग ही हिंच है स्पाइसीनेस का। इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या जैसी इसकी नोजिंग है, क्या वैसा इसका पैलेट पे टेस्ट आता है या नहीं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ड्राई फ्रूट्स, यस फ्रूटी है, ड्राई फ्रूट जैसी है, काफी मैच्योर विस्की कह सकते हो आप इसको, ब्लेंडेड स्कॉच, काफी मैच्योर है, स्पाइसीनेस है, पर स्पाइसीनेस बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ना ज्यादा है ना कम है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि स्पाइसी ओवरपावर हो रही है, स्पाइसीनेस ओवरपावर हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, स्मूथ उसके साथ है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा मुझे कि स्पाइसी विस्की ज्यादातर स्मूथ नहीं होती है, ये स्मूथ भी है। और अगर उसके साथ मैं बात करूं स्मोकीनेस की, तो स्मोक इसमें अच्छा है, इतना ज्यादा भी नहीं है जैसे कि एक ब्लेंडेड स्कॉच में हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। पर अगर प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो 1500 के आसपास की विस्की है, 1500 के आसपास की विस्की का हिसाब का स्मोक इसमें है, आपको अच्छा स्मोकीनेस मिलेगा। अगर आप इसे ऑन द रॉक्स लेते हैं तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा, बहुत अच्छी विस्की है ये। अगर मैं ऑयलीनेस की बात करूं तो ज्यादा हैवी नहीं लगी मुझे, आप यहां से देख सकते हैं बहुत ज्यादा ऑयली विस्की नहीं है, एंड लाइट ऑन टंग है। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं बैलेंटाइन से, तो बैलेंटाइन थोड़ी सी हैवी ऑन टंग थी, बट दिस इज नॉट हैवी ऑन टंग एट ऑल। आप बिना आइस के भी अगर इसको आप अगर सिप करेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगी, आप इजीली इसको आराम से पी पाएंगे, बहुत अच्छा है। और अब देते हैं इसको एक फूड रिपोर्ट। सो अगर मैं बात करूं नोजिंग की, तो नोज में मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसको मैं देना चाहूंगा 4.2 out of 5, बहुत अमेजिंग लगी मुझे नोजिंग पे, बिल्कुल प्लेजेंट है, स्पाइसीनेस है, ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा है। एंड अगर टेस्टिंग की मैं बात करूं तो टेस्टिंग में मुझे ये और ज़्यादा अच्छी लगी नोजिंग से, टेस्टिंग में भी मैं इसको 4.2 out of 5 देना चाहूंगा, बहुत स्मूथ है। 1500 के रेंज की अगर मैं स्कॉच की बात करूं तो ये बहुत अच्छी स्कॉच है, और ये पॉपुलैरिटी भी बहुत जल्दी से गेन कर रही है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ स्कॉच जो बाकी सारे इस रेंज की स्कॉच को बीट कर सकती हैं। बट मैं इसको स्टिल एक IMFL को एक IMFL से कंपेयर करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, एंड नॉट विद अ फॉरेन लिकर। सो जो मेरी लास्ट वीडियो थी लिकर पे, वो वैलेंटाइन की थी, तो उसमें मैंने वैलेंटाइन को रेड लेवल से कंपेयर करा था, क्योंकि दोनों फॉरेन लिकर हैं,
मेड इन स्कॉटलैंड, बॉटल इन स्कॉटलैंड, दीज आर मेड इन स्कॉटलैंड बट बॉटल इन इंडिया है. बट अगर आप इसके कंपैरिजन में वैलेंटाइन को लेके आते हैं तो वो 1410 की है, ये 1500 कुछ की है, 1510 या 1550 की होगी. ये थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्पाइसी विस्की लगेगी, वो आपको स्पाइसी नहीं लगेगी, वो आपको स्मूथ लगेगी. सो चॉइस इज ऑल योर्स गाइस की अगर आपको स्मोकी विस्की और स्पाइसी विस्की पसंद है देन यू कैन गो फॉर ब्लैक एंड वाइट, एंड इफ यू लाइक अ काइंड ऑफ अ बिट स्मूथ काइंड ऑफ स्कॉच देन यू कैन गो फॉर वैलेंटाइन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.